हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफेंड बाय शिवम में। तो जैसा आपको पता है कि 12th और 10th यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं किसने टॉप किया है। तो जो दसवीं में जो परसेंटेज रहा है पासिंग का वो रहा है 83.31, 83.31, और बारहवीं में जो परसेंटेज रहा है पास होने वाले बच्चों का वो रहा है 74.63, 74.63। अब बात करते हैं कि टॉपर्स की। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट आप इस वेबसाइट पे upmsp.edu.in पे जाके या uprezults.nic.in या फिर upmsprerezults.up.nic.in पर जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ स्थित लोकभवन के मीडिया सेंटर में नतीजों की घोषणा की है। ये आपको हमने बताई दिया कि दसवीं में कैसे। अब बात करते हैं टॉपर्स की। तो मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों बच्चों ने टॉप किया है, 10th में भी और 12th में भी। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि हर बार की तरह इस बार भी जो लड़कियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने ज़्यादा परसेंटेज में पास हुई हैं वो, और लड़कों को पछाड़ा है। तो जो लड़कियाँ हैं वो बहुत तरक्की कर रही हैं। मेरी बेस्ट विशेज सबके साथ हैं। तो हाई स्कूल में बात करें, हाई स्कूल में बड़ौद बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स के साथ टॉप किया है, जबकि इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें बड़ौद बागपत के ही अनुराग मलिक ने 97% के साथ में टॉप किया है। दसवीं और बारहवीं के टॉपर्स एक ही स्कूल से हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इस वर्ष दसवीं और बारहवीं दोनों का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा रहा है। दसवीं के टॉपर्स की बात करें तो आपको पता लग गया है फर्स्ट पे कौन है। दूसरे नंबर पे हैं अभिमन्यु वर्मा, पिता का नाम है रामहित वर्मा, 95.83%, इन्होंने बाराबंकी से हैं। और तीसरे नंबर पे भी जो है वो बाराबंकी से ही योगेश प्रताप सिंह, पिता का नाम है इनका राजेंद्र प्रताप सिंह, और 95.33% इन्होंने किया है प्राप्त। उसके बाद 12th की बात करते हैं तो फर्स्ट का तो आपको पता ही है, सेकंड की बात करते हैं तो प्रांजल सिंह 96%, प्रयागराज, और तीसरे नंबर पे हैं उत्कर्ष शुक्ला 94.80 और रैया। ये तो रही बात रिजल्ट की। इसके साथ ही अगर आपको कैरियर काउंसलिंग की वीडियोस देखनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छी वीडियोज हैं, आप जरूर जाके देखें। इसके साथ में एक मेरी सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट कैसे भी रहा हो, आपके अनुरूप रहा हो, आपके अनुकूल ना रहा हो, ये रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहा होगा, मेरी उम्मीद यही है। लेकिन अगर किसी को नहीं लगता कि उसका अच्छा रहा है या वो फेल हो गया है तो एक विषय में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जैसा कि आपको उप मुख्यमंत्री ने बताया है। तो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, कैसे कैसे उसका वो होगा सब बता देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो एक विषय में फेल है वो भी अच्छे से नंबर लेके आ सकता है, पास हो सकता है। और जिसका उसके अनुरूप नहीं रहा है, ये एक एग्जाम था, ये पूरी जिंदगी का कोई डिसाइड नहीं करता है कि ये यही आपका जो है पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा, ऐसा नहीं है। तो भले ही आपका जैसा भी रिजल्ट रहा है उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आराम से चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आने वाले टाइम में आप डिसाइड करो कैसे कैसे आपको क्या करना है। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। नीचे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप आके मुझसे मैसेज कर सकते हैं, और मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। आप अपनी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो बात ज़रूर कर सकते हैं, अपने फैमिली से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, बिल्कुल चिल मारें, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी दोस्त हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं, रिलेटिव हैं, उनसे बात करें, उनके बारे में जानें कि कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है इस चीज़ से, उनको समझाएं। अगर उनका रिजल्ट ख़राब भी रहा हो तो उनको समझाएं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक एग्ज़ाम है, पूरी ज़िंदगी का डिसाइड नहीं हुआ इससे। और बहुत ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जो 12th में वो उतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी IPS तक बन गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरत नहीं है कि आपके 12th में बहुत अच्छे नंबर आए तभी आप आगे जाके सफल होंगे, और 12th में आपके कम नंबर आए तो आप सफल नहीं होंगे। बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप हो वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, अपने आप में आप यूनिक हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। और अपनी परसेंटेज को नीचे अभी बताओ आपकी कितनी परसेंट आई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करें, अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो मुझसे बात कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, बाय।